खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं पर कुछ ग्रामीण लोगों की समस्याओं का मौके पर भी निपटारा किया गया और कुछ समस्याओं को अधिकारियों को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश भी दिए गए। ग्रामीणों ने खाद्य आपूर्ति मंत्री से घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में आ रही बिजली व पानी की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया तो मंत्री ने ग्रामीणों को बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ओहर पंचायत में बिजली के पोलों को बदलने के लिए 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं तथा घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या के लिए मुख्यमंत्री के आशीर्वाद के द्वारा 85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि घुमारवीं में पानी की अब कोई भी समस्या नहीं रहेगी और अगर किसी भी निजी समस्या होगी तो उसको ध्यान में रखे ही उसका निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत या गांव में पानी की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि पानी की समस्या का समाधान कर दिया गया है तथा घुमारवीं के हर गाँव को पानी मिल रहा है। वहीं उन्होंने लोगों की अन्य समस्याओं के बारे में भी विचार किए तथा सुनी और लोगों को समस्या के समाधान के प्रति आश्वस्त भी किया। समस्याएं हैं अभी जैसे मैंने यही कहा, जितने भी हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, पोल खराब है, उनको सबको बदलने के लिए वो 35 लाख रुपए इसी पंचायत में खर्च किए जा रहे हैं। तो ऐसे पानी के लिए जो पीने के पानी की समस्या थी उसको भी हल किया जा रहा है और पीने के पानी के लिए हमने घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 85 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और आज घुमारवीं के अंदर पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। अब केवल लोगों को अपने इंडिविजुअल किसी कनेक्शन में कोई समस्या हो सकती है जिसके लोग बीच बीच में हमको बताते हैं, लेकिन अब किसी पंचायत में पानी नहीं है, किसी गांव में पानी नहीं है, ये समस्या ये बात जो है वो समाप्त हो चुकी है। आज हर गांव में पानी जो है समय पर दिया जा रहा है।